बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास को लेकर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया। बतौर मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान कई राज्य मंत्री, 40 विभागों के सचिव, देश विदेश से आए वैज्ञानिक और 16 से प्रतिभागियों ने इस सेमिनार में भाग लिया। इस दो दिवसीय आयोजन से बुंदेलखंड के विकास का खाका तैयार किया गया और यहाँ की मूलभूत समस्याओं पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि बांदा में पहली बार इस तरीके से बुंदेलखंड के समग्र विकास के दृश्य से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के द्वारा करवाए गए इस बृहद आयोजन में 30 विदेश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन भी किया। उसी के तहत मुख्यमंत्री दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया। कल से लेकर आज तक लगभग 1600 प्रतिभागी, 200 से ज्यादा इसमें पेपर प्रिंट किए गए और लगभग 42 विभाग के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। सभी क्षेत्रों से हमारा बुंदेलखंड चतुर्दिक विकसित हो और क्षेत्र की समस्या का समाधान हो, पीने का पानी मिले, खेतों तक पानी पहुंचे और लोगों को रोजगार प्राप्त हो, बुंदेलखंड स्थान पर पहुंचे पानी क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, यानी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो, इसको लेकर के कल से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए और उन्होंने अपना अपना पेपर प्रस्तुत किया, वही प्रेजेंटेशन भी दिया। उसका खाका बना करके हर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे और बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन में बिंदु आए हैं उन सब पर बहुत काम बुंदेलखंड में हो चुका है। जो कुछ बचा है उन सब को पूरा करेंगे और बुंदेलखंड भारत का केंद्र बने। सभी क्षेत्र से हमारा बुंदेलखंड प्राथमिकता के आधार पर है। मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की सभी समस्या का समाधान करेंगे। केन बेतवा लिंक वरदान साबित होगा बुंदेलखंड के लिए और भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी सहमति दे दी है। बहुत जल्दी केन बेतवा लिंक कार्य शुरू होगा। हमारे बुंदेलखंड को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, सिंचाई के लिए भी और पीने के पानी के लिए भी। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।